हेलो हेलो, आप लोगों को बताइए, आवाज नहीं जा रही थी तो आप पहले ही कह दिए होते। बताओ, आज का पहला दिन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जब आवाज नहीं जा रही थी तो आप लोगों को पहले एक बार बता देना चाहिए था। चलिए, देर ही सही, लेट सवेर जो भी कर दिए आपको। देखिए, जो ही कोई इरर रहा करे तो तुरंत बता दिया जाता है ताकि उसको जल्दी से सही कर लिया जाए। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। मैं कब से 3 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, मैं सारे 3 क्वेश्चन को मैं अब फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग ले लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम आपको बता दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन में निरोगः शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। यहाँ पे ध्यान देना, निधन रोगः, निधन रोगः है। अगर यहाँ पर निर निर उपसर्ग के साथ बना है रोग, अगर यह विसर्ग रहता तो हम कुछ बात सोचते कि और क्या कर सकते थे। फिलहाल और सभी गलत था, यहाँ निर्धन रोग करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन में अन्न धन अर्थी पद विच्छेदस्य संधि युक्त पदम भवति ऐसा पूछा था। तो अन्न में अ था, अर्थी का अ था, अ के मिलने से अकह सवर्ण दीर्घ से क्या हो गया, दीर्घ हो गया। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि का विधान किया गया, अन्नार्थी, सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलेंगे। तथैव शब्दे संधि अस्ति, तथैव शब्द में संधि कौन सा है। यहाँ आप देखिए, अय की मात्रा बनी है, अय की है, तो आपको पता है कि आ अय औ की वृद्धि संज्ञा होती है, और यह उसी से आप पकड़ लोगे कि यह कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने बताया कि आडियो नहीं जा रही है, जिसको हम अब आडियो सही कर लिए हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नहीं, मैं कमेंट में यही पहली बार जो आपका देखा, तुरंत मैं देखा, तुरंत उसको मैं सही कर लिया। ठीक है, जो ही मैं देखा यही। तो चलिए, अब कम से कम ऑडियो जाने लगी तो अच्छी बात है, और ऊपर से सभी लोग लाइक कर रहे हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करके बता रहा है। प्रो वाचा, जब कई लोग धड़ाधड़ कमेंट वॉयस नहीं आ रही है, वॉयस नहीं आ रही करने लगते हैं तो दिमाग तुरंत जाता है उधर। अब जैसे मैं पहली बार देखा, तुरंत समझ गया अरे कहाँ से रुका हुआ है, तो अब जो है वॉयस जाने लगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रो वाचा शब्दस्य संधि विच्छेद भवति। अब इसमें जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, प्रश्न संख्या 4, राइट आंसर क्या आएगा। तो इसमें हो जाएगा प्रधन उवाच, प्रोवाच, कहेंगे इस तरीके से कैसे बना। तो ध्यान देना, अगर जानते हैं प्रधन ए जते होता, प्रधन ए जते होता तब लफड़ा दूसरा होता। ठीक, क्यों, क्योंकि उपसर्गांत अ के बाद में यहां पर किसी धातु का ए या ओ मिलता है तब लफड़ा दूसरा होता है, लेकिन यहां पर ऐसा कंडीशन नहीं है। ठीक, तब प्ररूप वाली बात यहां पर नहीं आएगी, किसकी बात आएगी। तो यहां पर ध्यान देना, प्र में अ है और उ है, तो वा च, सॉरी हलन तो नहीं है, च। तो आप ध्यान देना, यहां पर प्र में जो अ है, जब अ के साथ में उ का मिलान हुआ तो क्या बन गया, ओ बन गया। तो क्या बन जाएगा, प्रोवाच ना। प्र में अ के साथ ओ मिल गया, ओ बन गया, अब प्र में ओ लग गया तो प्रो हो गया, वाच, प्रो वाच बन जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मैं अभी जो शुरुआती में वीडियो जब स्टार्ट हुई उसमें बताया हूँ कि आज जो है हम लोग संधि पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों को सामने यूपी टेट सुपर टेट की परीक्षा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को संडे के दिन मैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज, मिक्स टाइप, ट्रिपल सी टेट, इन सब की बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। शुत्व संधि है उदाहरण अस्ति, शुत्व संधि का उदाहरण है, बताओ कौन है, ततश्चौर, जगन्नाथ, शंका या कोपी। प्रश्न संख्या 5, और आप लोगों को केवल और केवल हम सोच रहे हैं, हमारी ऐसी विचारधारा है, केवल और केवल हम सोच रहे हैं कि सैटरडे संडे के दिन कुछ स्पेशल मिले, कुछ 2-2.5 घंटे की वीडियोस मिले, लेकिन कुछ मिले, बेस्ट मिले। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो शुत्व संधि उदाहरण अस्ति, शुत्व संधि में उदाहरण क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना, शुत्व में शकार और च वर्ग आता है, किसमें मिल रहा है, यहाँ देखो तथ न मिल गया, यहाँ देखो क ख ग ङ मिल रहा है, यहाँ पे पूर्व रूप का मिल रहा है। जब ये तीनों कट जाएंगे तो शकार देखो यहीं में नहीं मिला है शकार, तो यह ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख के ही बता दिए कि हाँ ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 16, संख्या 16 में कहाँ चला गया, 6 हो गया यहाँ पे। ठीक, 6, वर्णा नाम अत्यंत निकटता कथ्यते, वर्णों का अत्यंत निकट आ जाना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। जय हिंद, जय भारत, सुस्वागतम, क्या कहा जाएगा यहाँ पर,
देखिएगा, और आप सभी लोग शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सारे ग्रुप में आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस ग्रुप के लिंक स्कूल के ग्रुप में भी भेज दीजिए। प्रश्न संख्या 6, वर्णानाम अत्यंत निकटता कथ्यते, संहिता कही जाती है, क्या कही जाती है? संहिता, वर्णों का अत्यंत पास आना ही संहिता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, मनस धन रथ इति संधि रूपम अस्ति, इसका संधि रूप है क्या है? मनस धन रथ इति संधि रूपम अस्ति, प्रश्न संख्या 7, और राइट आंसर आ जाएगा जो मनस होता है, ध्यान देना इसके पहले मनह धन रथ से मनोरथ बना रहता है, अब यहाँ मनह रथ तो बनेगा नहीं, मनह का विसर्ग से सकार होकर के तो विसर्जनिया से सूत्र लगता है, अभी हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे, अब आगे आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा विसर्ग संधि पर। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सकार और रथ, तो यहाँ पे जो सकार हुआ है मनह का विसर्ग से सकार बना है फिलहाल, तो मनस धन रथ से भी मनोरथ ही बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मनोरथ। और अक्सर कर करके जो विच्छेद बनता है दिया रहता है मनह धन रथ। ठीक, यह विसर्ग जो होता है या सकार और ये सब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें कई स्टेप में होता है, मैं अपने स्टेटस से बीच बीच में ऐसे संधि को कर कर करके उसकी स्लाइड लेकर के डाल देता हूँ ताकि लोग कुछ देखें तो समझें, लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या दे दिए गुरु जी, जो लोग समझने वाले समझ जाते हैं कि हम यहाँ क्या बताने वाले। वर्ण संधानम कथ्यते, वर्णों का संधान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहता है? वर्णानाम अर्थ वर्णों का संधान, जिसमें वर्ण संधान होते हैं, जिसमें वर्ण एक दूसरे से जुड़ते हैं और वहां विकार उत्पन्न होता है, वहां हम लोग कहते हैं संधि हुई है, समास में पद जाते हैं, इसीलिए इसमें समास में विग्रह बोला जाता है, संधि में विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? संधि होती है, वर्णों का संधान होता है वहां पर। शुद्ध संधि उदाहरण अस्ति, शुद्ध संधि का उदाहरण है, फिर बता दे रहा हूँ, शुद्ध संधि में क्या होता है? सकार और च वर्ग होता है। ठीक, मतलब फाइनल में सकार या च दिखाई देगा। सूत्र होता है स्तोह सुनाश्चुह, स्तोह सुनाश्चुह, यह सूत्र होता है, मतलब सकार और त वर्ग, सकार और त वर्ग जो है वह बदलता है सकार और च वर्ग में। ठीक है, जब इसके साथ में आसपास आता है तो यह बदल जाता है, तो शुद्ध संधि में मतलब यह फाइनल पे मिलेगा सकार या च वर्ग में। ये देखो मूर्धन्य वाला है तो यह नहीं हो पाएगा, ये देखो च मिल गया है यह हो सकता है, क्योंकि इसमें सब बताए हैं ना कि सकार या च वर्ग का वर्ण मिलेगा, या मनोहर अभी आप लोग पढ़े हैं मनोरथ, तो उसी तरीके से बनेगा तो भी नहीं बन पाएगा। जगदीश में देखा तो थ द बना है, तीसरा वर्ण बना गया, तीसरा वर्ण यहाँ पे आया है, तो तीसरा वर्ण में जस्व प्रत्याहार में जाता है तो यह जस्व संधि हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे हमको यह वाला ढूंढना है तो यह भी कट गया, तो यही देखो चकार इसी मिला है, सत यहाँ बनेगा सत धन चित, और जब त वर्ण के बाद में च वर्ग का या स कोई वर्ण मिले तो यह पहला च वर्ग के पहले वर्ण में चला जाएगा, तो यहाँ त था तो यह पहला च हो जाएगा, अगर यहाँ त के बाद थ होता तो यह छ में जाता, अगर यहाँ त था द होता तो यह च छ ज में जाता है। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें उद धन, उद धन ज्वल, क्या उद धन ज्वल, अगर ऐसा रहता तो ये तथ द तीसरा वर्ण था तो यह च छ ज में जाएगा, तीसरे वर्ण में जाएगा, तो ये हो जाता है उज्ज्वल। ठीक, तो हो जाता है उज्ज्वल। ठीक, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, आप संधि पहचानना बहुत सरल है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे संधि पहचानना बहुत सरल है, बहुत सरल है, बस ध्यान से थोड़ा सा देखना होता है, कुछ है नहीं। अब जस्व संधि उदाहरण अस्ति, जस्व संधि का उदाहरण कौन सा है? मैं अभी अभी बताया हूं कि जस्व संधि में जस्व प्रत्याहार का वर्ण फाइनल में मिलता है, मतलब ज ब ग ड द, यही तीनों वर्ण में से कोई वर्ण आएगा जस्व संधि बन जाएगा। जो जगत ईस है, जगत धन ईस है, जगत ईस बना त थ द बना है, वहां जस्व संधि हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे तीसरा देखो, इसमें किसमें बनेगा? देखो तट टीका तो ट बन गया, तो ट तो इसमें आएगा नहीं, इसमें तीसरा वर्ण चाहिए। रामस्य देखो सकार आ रहा है तो यह भी नहीं लेंगे हम। वाग ईस क ख ग तीसरे वर्ण में आया है, यहाँ तीसरे वर्ण में आया, यह हो सकता है। हरिम वंदे, ये हरिम वंदे होता है तो ये भी नहीं है, देखो यहाँ पे बन गया वाग ईसह, क्या बन जाएगा? वाक धन ईसह। कहते हैं कि जब झल के बाद में
कोई स्वर वर्ण आए, जब पदांत छल के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो यह वर्ण जो है जस प्रत्याहार में बदल जाएगा, अर्थात यह क ग में चला जाएगा, कख गघ कख गघ में से कोई रहे ग हो जाएगा, च छ ज झ में से कोई रहे ज हो जाएगा, ट ठ ड ढ में से कोई भी रहे चारों में से तो उसका तीसरा हो जाएगा, मतलब हर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो यह हो जाता है वाग धन ईसह बराबर वाग ईसह जस्व संधि का उदाहरण सी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सी माना जाएगा। जो लोग हमारे साथ डिटेल क्लास नहीं किए हैं वह किसी तरीके से डिटेल क्लास तक पहुंच जाएं और डिटेल क्लास कर लें। वैसे भी दो बैच चलाई जा रही है, ई लर्निंग विद दुर्गेश लर्निंग ऐप है एक, उस ऐप पर चलता है, तो आप सभी लोग प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करें और उस पर आप जा करके क्लास कर सकते हैं। नमस्ते इति शब्दे संधि अस्ति। नमस्ते इस शब्द में संधि है, व्यंजन संधि, अच संधि, विसर्ग लोप संधि या विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 11 राइट आंसर क्या आएगा? तो ध्यान देना, इसका होता है नमः धन ते, और यही जो विसर्ग का है यह सकार में बदल जाता है तो हो जाता है नमस धन ते बराबर नमस्ते। क्या बन जाता है? नमस्ते। तो विसर्ग का परिवर्तन होना विसर्ग संधि कही जाती है। विसर्ग लोप कहोगे कि विसर्ग संधि कहोगे? पहले देख लो, विसर्ग लोप नहीं कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे? लोप नहीं हुआ है, वो बदलाव हुआ है, तो विसर्ग संधि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विसर्ग संधि कहा जाएगा। ठीक, बहुत सही, समधि है गए लिखे हैं समधि, बहुत सही। मकार का अनुस्वार, अनुस्वार का मकार नकार में पहुंचा दिए। सडानन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सडानन, और ध्यान देना सभी जगह ड नहीं होता है। सडानन इति संधि पद रूप विच्छेद अस्ति, करें इस संधि पद का रूप विच्छेद क्या होगा? सडानन प्रश्न संख्या 12 क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए बनेगा सट धन आनन। और मैं बताया हूं कि झलाम झलाम जशवंते, झलाम जशवंते क्या मतलब है? अगर झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद में कोई स्वर वर्ण आए तो यह जस प्रत्याहार में बदल जाता है। झल में कौन आते हैं? वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और सल प्रत्याहार का वर्ण झल प्रत्याहार में आता है। मतलब कख गघ च छ ज झ ट ठ ड ढ तथ द ध प फ ब भ और उसके बाद में स ष स ह, इतने वर्ण आते हैं ना। अगर कहेंगे झल कैसे गुरुजी आप कहेंगे, तो याद करना महेश्वर सूत्र को, ध्यान दो कि झ झ से स्टार्ट करो, झ बाया घ ढ ध स जब गड द स ख प छ ठ थ च ट त व क प य स स सर ह ल। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो शल प्रत्याहार यहाँ पे जोड़ दोगे चार वर्ण और यह इसके चार चार, तो झल प्रत्याहार के बाद में अगर कोई भी स्वर वर्ण आए तो ट जो है उसी में आएगा, झल में आएगा, इसके बाद स्वर वर्ण आया है तो यह झल जस में बदल जाएगा, अर्थात क ख ग घ ग में जाएगा, च छ ज झ ज में जाएगा, ट ठ ड ढ ड में जाएगा, त थ द ध द में जाएगा, प फ ब भ ब में जाएगा, तो ट ठ ड ड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे जस्व संधि जब हो जाएगी तो क्या मिल जाएगा? यहाँ यहाँ ड डलिया बन जाएगा, तो यह ड डलिया बदल गया तो हो जाएगा स ड, आगे हो जाएगा आ न न, और यह इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा सडानन। हमारे समझ से जो हम कर सकते हैं, जो हम बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ जाए। ठीक, प्रैक्टिस ना कराकर डिटेल करवाएं, आप ये कहना चाहते हैं। जब डिटेल कराते हैं तो बच्चे की संख्या कम हो जाती है, लोग डिटेल पढ़ना कम चाहते हैं, और इसीलिए सारी क्लासेस जो हैं वो जो वास्तव में जो गंभीर छात्र हैं उनके लिए दिया जा रहा है, और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर पूरी की पूरी क्लासेस डिटेल वाली चलाई जा रही है। और यहाँ पर अभी मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अभी आज संधि पे करवा रहा हूँ, कभी समाज पे करवा देंगे, कार्य प्रकार विभक्ति पे करवा देंगे, अलग अलग चैप्टर वाइज करवा देंगे, कभी मिक्स टाइप भी करवा देते हैं। तो आप लोग यहाँ प्रैक्टिस डेली देखने को मिलेगी 4 बजे की क्लास में। सत धन जन इति शब्दे संधि रूपम भवति। अब सत धन जन, अब यहाँ पर ये झल वाला रूप नहीं लगा है, यहाँ च छ ज वाला लगा है कि स्तो सुनासु लगा है। क्या लगा है? स्तो सुनासु माने शुद्ध संधि, कि सकार या त वर्ग के आगे या पीछे सकार या च वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो यह जो है सकार या च वर्ग में बदल जाएगा। तो यह त है तो उसके च के पहले में जाएगा, च छ ज के पहले में जाएगा, त है तो पहले में जाएगा तो हो जाएगा च, न यही बनेगा। अब बताओ कि यह त के बाद में
अगर ज मिल गया तो सत क्या बन जाएगा, च हो जाता ना, ऐसा बनता तो सत धन जन इस तरीके से क्या बन जाएगा, सज्जन तो बन नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर तो एक और भी एक विशेष जब नियम चलेगा कि इसको पहले च में जाएगा, च के बाद में वह ज के योग में आने पर यह तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो जैसे त का द हो जाता है ऐसे ही च का फिर ज हो जाता है, कुल मिला जुला कर करके सिस्टम यहाँ सज्जन बनेगा। क्या बन जाएगा, सज्जन, माने दो दो तीन तीन प्रोसेस होने के बाद में तब पता चलेगा कि यह सज्जन तक जाएगा। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको ले लेना, क्योंकि इसमें जो है बहुत बार घबराहट हो जाती है कि अब इसको हम सत्जन करें कि सज्जन करें क्या करें, तो के बाद में अगर ज वर्ण आ गया तो इसको तो जाना चाहिए था च में, जब च में चला जाएगा तो वह एक और नियम काम करता है कि किसी वर्ग का उसी वर्ण के साथ में अगर तीसरा वर्ण मिल रहा है तो वह क्या कर लेता है, उसके तीसरे वर्ण में ही चला जाता है, तो सज्जन बन जाता है। बहुत सारे नियम व्यंजन संधि के अंदर देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 14 में आते हैं, महान कृपा तो महोदय होगी, आपको इसके लिए एप्लीकेशन पे ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसको हमको फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं डिटेल क्लासेस कुछ वीडियोस हमको मिल जाए तो आप लोगों को सबको जो जो चाह रहे हैं, जो लोग खोज पा रहे हैं उनको मिल ही जा रहा है, ठीक है। और अब मैं भी जो अपने वाले चैनल पर भी पढ़ाता हूँ डिटेल क्लासेस, उसके डिटेल क्लासेस बंद करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर हम उसको पूरी तरीके से ई लर्निंग भी दुर्गेश सर के साथ जुड़ चुके हैं, तो हमने ऐसा निर्णय लिया है कि अब जो भी डिटेल वाली क्लासेस होंगी वो भी सारी डिटेल क्लासेस अब जो लाख हैं यहाँ पे लाख ही रहेंगी, आप लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा, कुछ क्लासेस मिलेंगी अवश्य मिलेंगी, क्योंकि बीच बीच में सौरभ सर, माननीय सौरभ सर आप लोगों को वो क्लास देते रहते हैं, उन सबके लिंक को शेयर करते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को जुड़ना अनिवार्य है। जो 24 घंटे खुले रहते थे वीडियोस वो अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, आगे क्या और प्रावधान है हम सर से बात करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और ये प्रैक्टिस क्लासेस डेली चलती रहेंगी। मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ पेडागॉजी की क्लासेस और कुछ डिटेल क्लासेस, जो एक तरीके से 25-30 घंटे की एक डिटेल क्लासेस आप लोग दे दूं, हालांकि 25-30 घंटे में बहुत कुछ मजा नहीं आता है, 60-70 घंटे पढ़ने पड़ते हैं तब जाके कुछ अच्छा होगा। हाँ प्रैक्टिस तो यहाँ डेली होता रहेगा, प्रैक्टिस चलता रहेगा, और जो लोगों को मिल रहा है वो डिटेल वाले मिलता है। शिवो वंद्य इति शब्दे संधि अस्ति। अब प्रश्न संख्या 14 में राइट आंसर क्या बनेगा, तो बन जाएगा शिवो वंद्य में उत्त संधि हो जाता है। अब इसका भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो डिटेल में ही समझ में आएगा। शुत्व संधि में सकार ट वर्ग होता है, चर्त संधि में ये नहीं, चर्त संधि में भी नहीं होता है, सत्व संधि में भी सर का सकार बन जाता है भी नहीं है, वो तो संधि होती है, इसी में उ बनता है फिर वो बनता है ऐसा। कश्चित पदे प्रयुक्त संधे नाम वर्तते, अभी मैं चैप्टर वाइज करवा दे रहा हूँ, फिर नजदीक आएगा फिर मैं मिक्स टाइप करवा दूंगा, मॉडल पेपर करवा दूंगा, सैंपल पेपर करवा दूंगा, बहुत सारा उसको करवा दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा प्रेशर इस पे डालना जरूरी नहीं है। प्रश्न संख्या 15, फिर भी जिसको चाहिए वो खोज निकालेगा, उसके उसके लिए दूर नहीं है, मिल जाएगा, पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, डिटेल वाले भी मिल जाएंगी, अभी नहीं मिल रही है मिल जाएंगे। कश्चित पदे प्रयुक्त संधेय नाम वर्तते, करें इस पद में कौन सा, देखो सकार और च वर्ग के साथ में अगर कोई ऐसा कुछ आता है, जान जाना शुद्ध संधि ही है, कोई और नहीं हो सकता। जस संधि में जब गढ़ बनता है, चर्त संधि में चर प्रत्याहार का वर्ण बनता है, और उत्त संधि में अभी आप देखे हैं तो यह ए वाला करेक्ट हो जाएगा। विसर्ग संधे उदाहरण न अस्ति, करें विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, अब आप बताओ कौन सा विसर्ग संधि उदाहरण नहीं बनेगा, इसको पकड़ोगे आप। यहाँ देखो, यहाँ पे अभी अभी आपने बनाया है, यहाँ पर यह व्यंजन संधि बनी है सचित न सचित बनी है, और यहाँ पे जब व्यंजन संधि बन गया तो यहाँ विसर्ग संधि बनने का कोई बात ही नहीं आता है, तो ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा, और सब में अपना कर लेना। आगे देखते हैं, शुबंत में संधि विच्छेद करिए, ध्यान देना ये सु प प फ ब ज तीसरे वाले वर्ण में गया है, मतलब जब हम सुप धन अंत करते हैं तो यह प फ ब तीसरे वर्ण में जाएगा, और यही ब आगे अ से प्लस मत करिए, जब संधि कार्य कर चुके होते हैं तो प्लस नहीं लगाते हैं, क्षम्यताम। अंत हो जाएगा और अभी बन जाएगा सुबंत, क्या बन जाएगा सुबंत, ठीक, क्या बन जाएगा सुबंत। तो यहाँ पे आप प के साथ में लगाएं और राइट आंसर सी करें, सी सही है, अच्छा है, और यहाँ भी आप जस्व संधि कर सकते हैं, और जस्व संधि का यह उदाहरण है।
आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 18 में हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित पदेषु असंगत संधि विच्छेद अस्ति, असंगत संधि विच्छेद है, ध्यान देना उज्ज्वल बना है, तथा द में गया है तो इसका द उसके ज में चला गया है, जो हरिम वंदे यहाँ पे हरे वंदे होता है ना हरिम वंदे, तो प्रश्न संख्या 18 वाले में तो गलत है, दिक धन गज दिग्गज बन जाएगा, मन हताप मनस्ताप, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये हरिम वंदे जो बनता है मकार के साथ बनता है, ठीक है, वो हरिम वंदे होता है और यही मकार जो है अनुस्वार बदल जाता है, तो यहाँ पर डास लिख के बन जाता है, और ये वाला गलत है, बिल्कुल गलत है बी वाला, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी करेक्ट हो जाएगा। सदानंद इति शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, ठीक, सदानंद इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या होगा। अब यहाँ पे सत धन आनंद आनंद से बने हैं, तथा द अब ये त वर्ण है, स्वर के आने पर झलाम जशवंते सूत्र से यह जब गढ़ दस में चला जाएगा तो त थ द द में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा स द धन आनंद, ठीक है, और ये बन जाएंगे सदानंद, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सत धन आनंद, प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर, प्रश्न संख्या 20 में ध्यान देना वाकदानम इति पदे संधि रूपम अस्ति, जब हम वाक में ध्यान देना जब हम वाक में दानम लगा रहे हैं तब क्या होने वाला है, अब ये तो देखना पड़ेगा कि यह द वर्ण है, यहाँ पे अगर स्वर वर्ण होता तो क का सीधे हम ग कहते थे ना, लेकिन अब यह किस सूत्र से होगा कैसे होगा अब हमको ये देखना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि जब यहाँ पे जिसे क वर्ण आ गया इसके साथ में यहाँ पर जस प्रत्याहार होता है तो उसके साथ में भी यह क जो है ग में ही जाता है, तो अब क्योंकि क का तो रह नहीं पाएगा, ऐसा दोनों नहीं सही हो पाएंगे, दोनों एक ही है फिलहाल गलत है, वादानम भी नहीं होगा, वागदानम होगा, क का ग में ही जाएगा, तीसरे का तीसरे में ही गया है, यहाँ दूसरा सूत्र कार्य किया है तो हो जाएगा वागदानम, वाणी का दान करना, ठीक है वागदान। यहां लिखा है चर्त्व संदेह, चर्त्व यहां चर्त्व होगा, चर्त्व संदेह उदाहरण अस्ति, चर्त्व संधि का उदाहरण क्या है, अब चर्त्व संधि में मैं आपको बता दूं कि अंत में चर बचता है, क्या बचता है चर, और चर क्या है एक प्रत्याहार है, चर एक प्रत्याहार है जिसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, च से गिनना स्टार्ट करो तो च ट त व क प य, तो य कीत संज्ञा व कीत संज्ञा कौन सा वर्ण बचेंगे, च ट त क प, अर्थात यह प्रथम वर्ण बचेगा, कौन से बचेंगे प्रथम वर्ण बचेंगे, और जब प्रथम वर्ण इसमें भी नहीं है, धर्मम चरम म मकार है अनुस्वार बदला है ये भी नहीं है, सत्कार त वर्ण यहीं पे आया है, सत्कार त वर्ण यहीं पे आया है, यह प्रथम वर्ण का माना जाएगा, सदानंद में तीसरे वर्ण में है यह भी नहीं होगा, तो यह सी जो है आपका प्रथम वर्ण मिल गया इस सूत्र से, और चर्त्व संधि में आप इसको करेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन विष्णुस्त्राता इस शब्द संधि विच्छेद अस्ति, ये जितना भी ये दंती सब बनता है सबका एक विशेष कंडीशन होता है, ध्यान देना उस विशेष कंडीशन से वह पहले किसमें चला जाता है, विसर्ग से इस दंती समय जाता है, फिर इस दंती स के बाद में अगर तालव्य का वर्ण आगे मिल गया तो वह तालव्य समय चला जाता है, अगर मूर्धन्य का मिल गया तो मूर्धन्य में चला जाता है, अगर दंती का मिलता है तो दंती तक ही रहता है, तो अर्थात यह विसर्ग से ही सकार तक पहुंचा है, मतलब क्या हो जाएगा विष्णु धनत राता ही सही होगा, और इसका ए जो है राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा ए, और सभी लोग उत्तर नहीं कर रहे हैं, सभी लोग उत्तर नहीं कर रहे हैं, कोई ए कर रहा है, कोई 21/CC CVC ATV, अब चलो ठीक है अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं नाम जब लेना स्टार्ट करूंगा तो प्रतिदिन नाम लूंगा, नाम लेने से कुछ बच्चे गुस्सा हो जाते हैं सर हमारा नाम नहीं ले रहे हैं फलाने का नाम बार बार ले रहे हैं, और उसका एक मैं कारण बता सकता हूँ कि उसका कारण क्या है, उसका यह कारण है कि गुरु जी लोग क्या करते हैं कि जब कई बार किसी का नाम आने लगता है तो वो जब बोलते हैं तो अंदाजे नमुआ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कुछ तो यहाँ पर चैट पढ़ते हैं और कुछ चैट जो है अंदाजा लेने लगते हैं, तो जिसका नाम सरल जैसे पिंकू चिंटू मिंटू मोहन सोहन ऐसा सिंपल नाम कटाकट कटाकट आता है, तो दो चार नाम तो वो पता चला कि चैट से लेते हैं, और दो एक नाम जो है आया है बच्चा तभी नहीं ना आया है तब भी उसका भी नाम उसे मिल लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि
मतलब सर जो है हमारा नाम ले रहे हैं, फलाने का नाम बार बार ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में नाम कम ले पाया जाता है, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं सर नाम नहीं ले रहे हैं। भारतम वंदे, और यह मकार है, यह अनुस्वार बदल जाएगा, तो क्या बदल जाएगा, अगर आगे व्यंजन वर्ण है तो यह मकार अनुस्वार में, और अगर आगे स्वर वर्ण है तो यह मकार मकार में ही रहेगा, तब अनुस्वार भी मकार में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो यह क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अनुस्वार में बदल जाएगा, अर्थात बिंदी में बदल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 23 के अनुसार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विपत काल इति शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति, अब बताओ इसमें इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा विपत काल, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा विपद, विपद। हाँ, अब जैसे हमको लेना हो तो हम तो ले सकते हैं, सवितानंद मिश्रा जी हैं ऐसा ले सकते हैं, लेकिन वो जैसे एक बार नाम देख लिए तो कुछ 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 उसका मतलब होलोग्राम वगैरह होता है ऐसा कुछ, ठीक, तो वो हो जाता है। वैसे सविता किसको, सविता का अर्थ किससे संबंधित किया गया है, तो भगवान सूर्य सवितुर्यवर्णयम ऐसा कुछ कहा गया है, तो ऐसे ऐसे कुछ लाइन होते हैं भाई, वो कुछ नाम होते भी उठे होते जो नहीं लिया पाता है। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आएगा विपद काल, और द का त बना है और यहाँ चर हो गया है, इसलिए ऐसा बन गया है, पहला वर्ण में आ गया है, चर मतलब वर्गों के प्रथम वर्ण। निम्न लिखिता नाम शब्दा नाम जस्व संधि उदाहरण में न अस्ति, जहां पर न रहे उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया करो, यही गलती हो जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत सही, वही गलत हो जाता है। चलो, तो इसका राइट आंसर बताओ। अब इसे जैसे अगर मान लिया किसी का नाम जूही रहे, किसी का नाम नेहा रहे, किसी का नाम सिंपी रहे, इस तरीके के छोटे छोटे अगर नाम रहे, गीता सीता नाम रहे, तो ऐसा नाम छोटा छोटा रहे तो टक टक ले लिया जाता है। जग्गू नाम रहे, ठीक है, कभी कभी क्लास में एक आती हैं, उनका शॉर्टकट नाम हमको, वैसे नाम का शॉर्टकट नाम हमको वही अच्छा लगता है, अब उनको अच्छा लगे ना लगे लेकिन हमेशा बोल देते हैं। तो ऐसा सिंपल सिंपल नाम होता है, अंदाजे ही कुछ लोग ले लेते हैं बार बार। तो प्रश्न संख्या 25, इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण नास्ति किसका, जस संधि का, तो ज ब ग ड द न बनेगा, ज ब ग ड द, ये तीनों चार पांचों वर्ण उसमें नहीं बनेंगे, तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, द बना है ये भी नहीं होगा, ग बना है ये भी नहीं होगा, तब क्या बनेगा, स में देखो य द बना है ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये वाला करेक्ट कर दो, ये वाला पक्का कर दो, क्योंकि इसमें ज ब ग ड द के साथ में कोई भी वर्ण यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यह उसका एग्जाम्पल नहीं होगा, और जस संधि में ज ब ग ड द से ही वर्ण आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल हाथ उठा दीजिए, सभी लोग हाथ उठाएं, ए बी सी डी, तो छोटे छोटे नाम रखने चाहिए और छोटा छोटा अपना फोटो लगाना चाहिए, और वो भी फोटो में स्पष्ट कोई एक फिक्स चीजें रहें ताकि बार बार बदले ना, तो उससे क्या होता है कि केवल उतना ही देख के पता चल जाता है कि अब फलाने ही हैं, अदरवाइज बहुत सारे लोग नाम बदल लेते हैं, फोटो बदल देते हैं, ऐसा बदल देते हैं, तो पता नहीं चलता है कि इसी नाम की यही हैं या दूसरे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, शुद्ध संधि उदाहरण अस्ति, शुद्ध संधि का उदाहरण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शुद्ध संधि में शकार और त वर्ग का वर्ण लास्ट में बचेगा, शकार या त, मतलब त थ द ध और न, और ये बदल किससे आता है, यह सकार और त वर्ग का बदला हुआ रूप होता है, मैंने यहां से आदेशित हुआ होता है, त थ, हम वहां पे च लिखना तो यहाँ पे उल्टा लिख दे रहे हैं, वहां पे लिखना है उसको, तो दिमाग में चल रहा है उसको लिख दे रहे हैं, त थ द ध न यहाँ पे रहेगा, और यहाँ च छ ज झ ञ, माने त च में जाएगा, थ छ में तीसरा, तीसरा चौथा, चौथे में पांचवा, पांचवा में इसका समय चला जाएगा, बस यह वाला फाइनल में मिलेगा, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे च मिल गया, काम बन गया, वागीसा में ग मिला, जस संधि का आ रहा है, त मिल गया, चर तो वाला दे रहा है, श्र बन गया, यहाँ पे मूर्धन्य वाला वर्ण आ रहा है, मूर्धा वाला केवल शुद्ध संधि में जाता है उधर, तो उसको भी हम बात नहीं करेंगे, तो यहाँ भी नहीं होगा। उत धन चारणम से उच्चारणम बनेगा, क्योंकि यह च त से ही बन करके आया होगा, इसके पहले त रहा होगा तो च में बदल गया होगा, तो इसका क्या बन सकता है, उत धन चारणम, और बन जाता है त का च में, तो हो जाता है क्या, उच्चारणम, क्यों, क्योंकि यह च बेचारा आधा है, यह तो पहले से पूरा है, तो उच्चारणम उस तरीके से बनता है, ठीक है। नहीं, कभी कुछ चेंज कर लिया करो, थोड़ा बहुत चेंज कर लिया करो, पिंकू चिंटू मिंटू ऐसा कुछ हाईलाइटेड नाम रख लिया करो, ठीक है। जैसे हम जब कभी अनअकेडमी जो पढ़ाया करते थे, जब पढ़ाते हैं उसमें, तो एक बार मुझको याद है कि मेरी स्पेशल क्लास हम ले रहे थे, और उसमें जो है
नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, माननीय मोदी जी, बहुत देर तक जब उनके सामने में बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया तो कहे गुरुवर प्रणाम, मैं इसकी बात जो है आपकी पार्लियामेंट तक ले जाऊंगा और आपको और आपके बच्चों को एक स्पेशल व्यवस्था मिलेगी जिसके तहत में कुछ जीबी डाटा डेली का फ्री दिया जाएगा, और आज तक फिर मिला नहीं। भावकः इति शब्दे संधि अस्ति, इसे बताओ कौन सी संधि बनेगी, कौन सी संधि बनेगी। कोई नाम चेंज करना चाहिए, बहुरूपिया नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भावकः आव, आव बना है, क्या बना है, आव। तो जब अय अव आय आव ऐसा बनता है तो वह संधि कौन कही जाती है, अयाद संधि कही जाती है, एचो अयवा याव से बना होता है वह। नारायण क्षम्यताम। लघुर्मिहि इति शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति, इसका संधि विच्छेद करो। बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, जो लोग अभी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे थे, क्लास ले रहे होंगे, उनकी ये बेहतरीन वाली जो है प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे, जो लोग होंगे वो अभी ई लर्निंग विद दुर्गेश का लर्निंग ऐप जो है उस पर वो लोग क्लास ले रहे होंगे, तो उनकी यहाँ पे मिल जाएगी। कल जो है समास ही करवा दें, कल समास ही करवा देंगे, आप लोग रहें बस। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, नहीं आप लोगों के लिए दूसरा लाइन है क्या, कि तुम एक कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा, बिना भोजन पानी दान दक्षिणा लिए फिर नहीं चलूंगा। लघुर्मिहि इति शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति, लघुर्मिहि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न संख्या 28, राइट आंसर क्या आएगा, तो ध्यान देना राइट आंसर आएगा लघु धन उर्मिहि, और ऊ के बाद दीर्घ ऊ आने से यकह समाने दीर्घ सूत्र से यहाँ दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा लघुर्मिहि। पहले हम लोग अपने गुरुजी लोगों को जो है बाटी चोखा उल्टा पुल्टा दुनिया भर का तमाम ऑफर देते करते थे, दिया करते थे, अब तो लोग जो है अपने सब ले लेते हैं। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, अरे इतना स्टार जैसे लगता है कि आंख बूंद कर करके आप नाचने लगी, क्या बात है क्या बात है, इतना तगड़ा है। श्री नारायण। राजेश्वरियम शब्दे कह संधि अस्ति, ये कोई बच्चा सुनाया था हमको कि सर आप चाहे जहां क्लास लेंगे हम वहां पहुंचे रहेंगे, करीब 1 साल पहले। तो कहता था कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा। तो ओ बड़ी ये बहुत बेहतरीन गाना है, बहुत पहले की रिकॉर्डिंग है, बहुत बेहतरीन गाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश्वरियम शब्द कह संधि अस्ति, यहाँ पे अय बन गया है और अय बनता है वृद्धि में, आ अय औ की वृद्धि संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 29 राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रामो जयति इति शब्द कह संधि अस्ति, करें इसे बताइए कौन सी संधि है, कौन संधि है। तो यण संधि गुण संधि विसर्ग संधि अयादि संधि, तो ध्यान देना यह जो रामो रामो राम से रामो बना रहा होगा, प्रश्न संख्या पे ध्यान देना, यह राम रहा था, राम के बाद में तब जाते जाते वह ओ तक पहुंचा होगा, एक स्टेप में नहीं कई स्टेप में पहुंचता है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे मनोरथ, जैसे तपोभूमि, ठीक, जैसे मनोरथ, ठीक है, इस तरीके से उड्डीन इति शब्द शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नटगुणे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कुछ लोग इतना तेज उछलने लगते हैं कि जबरदस्त, इतना मतलब उनका एक अलग पहचान होता है और वो ऐसा बुद्धि लगा करके अपना पहचान बनाते हैं, क्या बहुत अच्छा ना, तमाम उसके साथ इमोजीज वगैरह भेजते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम कुछ लोगों के लिए करते रहिए। तो ध्यान देना यहाँ पे उद होता है, उद धन कंडीशन में अगर यह तीसरा आया है तो तथ द वाला मतलब सकार और त वर्ग का वर्ण, अगर सकार और ट वर्ग के साथ में आए तो स्तुत्व संधि हो कर करके, ये सकार रहेगा तो इस षटकोण में चला जाएगा, पहला वर्ण पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में चला जाएगा, तो त थ द वर्ण है तो इसका ट ठ ड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ड में चला जाएगा और बन जाएगा उड्डीनः, क्या बन जाएगा उड्डीनः।
तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। और हमको मालूम है कि बहुत सारे लोग व्यंजन संधि नहीं पढ़े हैं, और बहुत सारे लोग तो जब व्यंजन नहीं पढ़े हैं तो विसर्ग संधि भी नहीं पढ़े होंगे, हमको मालूम है। और आज मैं क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैं जानबूझ कर करके बहुत सारे क्वेश्चन को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से लेकर के आया हूँ। विसर्ग संधि भी कम करवा रहे हैं, व्यंजन संधि पे ज्यादा करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग व्यंजन संधि से दूर ना भागें। सभी लोग केवल स्वर संधि पढ़ करके संधि भाग जाते हैं, और हमको बार बार कहना पड़ता है। हम सोचते हैं संधि सबको आती है, इसलिए हम लिख दिए क्या कि संधि पढ़ल समास पढ़ल और कारक पढ़ल कि नहीं, बताओ तू का पढ़ल, बताओ तू का पढ़ल। सामान्यतया देखा जाता है बच्चे जो है संधि और समास सभी लोग पढ़ लेते हैं, कारक कम लोग पढ़ते हैं, और विभक्ति वगैरह तो और कम लोग पढ़ते हैं, वाच्य परिवर्तन कम लोग पढ़ते हैं। तो हम इसलिए लिखे हैं कि संधि पढ़ल समास पढ़ल और कारक पढ़ल कि नहीं, बताओ तू का पढ़ल, बताओ तू का पढ़ल। और फिर हम आगे की महात्म्य बताते हैं अगली लाइन में कि कारक में दम्बा और वाचत कम्बा, अभिभक्ति का बा सारा खेल, बताओ तू का पढ़ल, बताओ तू का पढ़ल। अरे संधि पढ़ल समास पढ़ल और कारक पढ़ल कि नहीं, बताओ तू का पढ़ल, बताओ तू का पढ़ल। ध्यान दीजिएगा, जब कभी यह हरि सेते आता है तो हम तो घबरा जाते हैं कि कौन सी संधि हम बताएं। वैसे आप लोग बड़े ही सावधानी पूर्वक आप इसकी संधि बता दिए होंगे ना, लेकिन हम तो घबरा जाते हैं कौन सी संधि होगी। इसका राइट आंसर कुछ लोग कर रहे हैं बी होगा, कुछ लोग कर रहे हैं सी होगा, कुछ लोग कुछ और, कुछ लोग कुछ और। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, चूंकि यह विसर्ग रहता है, फिर आगे होता है सेते, यह विसर्ग का सकार बनता है तो हो जाता है हरिस सेते। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यह सकार के योग में यह वाला सकार आ रहा है, इसलिए यह किस में चला जाएगा, तालव्य सब में चला जाता है, तो हो जाता है हरि सेते। अब जो लास्ट में बच जाता है हरि सेते। अब इसमें दो संधि हुई है, अगर यहां से यहां कहें तो विसर्ग संधि हुआ है, और यहां से यहां कहें तो व्यंजन संधि हुआ है, और उसमें शुद्ध संधि हुआ है। तो यह शुद्ध संधि में भी आता है, यह विसर्ग संधि में भी आता है। तो अब अगर पूछ दे हरि सेते किससे बना, तो हम घबरा जाते हैं किससे बताएं। अब हम व्यंजन से बताएं कि हम विसर्ग से बताएं, भला कोई इसमें व्यंजन संधि नहीं दिया गया था, उसमें भी शुद्ध संधि नहीं दिया गया था, नहीं हम तो लुल्ल हो जाते, हम तो घबरा जाते। अब क्या करें, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हरि धन सेते बराबर हरि सेते, तब हम बताएंगे इसके लिए विसर्ग संधि। लेकिन अगर यहां पर लिखा रहे हरिस धन सेते बराबर हरि सेते, तब हम बताएंगे व्यंजन संधि, यहां बताएंगे विसर्ग संधि, इसी को यहां बताएंगे हम व्यंजन संधि, क्योंकि यहां इसका कारण है, यहां शुद्ध संधि हुआ है, यहां व्यंजन संधि हुआ है। अब ये अलग बात है कि यह एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, कभी कभी आप देखेंगे ना तो दो दो तीन तीन के अंदर भी हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब करेंगे तब ना, आप तो केवल समास ही तक बोल करके चुप हो गई थी। अब उनको अगर वो उर्दू ले लेती हैं तो उनके लिए समस्या बन जाता है, ठीक है, उनके लिए समस्या बन जाता है, पता नहीं कि उर्दू का पूरा क्लास उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा कहीं से। तो हरि सेते इति पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर आप विसर्ग संधि कीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम ही मास्टर रहेंगे और ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ आप समय थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हम ही अपना उत्तरवा बदल लेंगे बेटा, और तो वही पढ़वैया रब, तब भी विश्वास किया कि कैसे बदल गया, ठीक, क्योंकि वो ऐसा कंडीशन आता है। जैसे हम अभी देखे हैं कि अगर कॉपी देता है इस तरीके का कॉपी, और कहा जाता है बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो हम लोग तो लगा देते हैं पूर्व रूप संधि, ठीक, पूर्व रूप संधि जब उत्तर प्रदेश में आता है तो। लेकिन यही क्वेश्चन जब सी टेट वगैरह में आता है तो वहां पूर्व रूप संधि ऑप्शन ही नहीं देता है, तो वहां सीधे सीधे ऑप्शन देता है विसर्ग संधि, जैसे यहां पे दिया है, जैसे यहां पर दिया है, ठीक है। तो यहां पर जो है क्या मिल जाएगा, विसर्ग संधि मिल जाता है, तो हो जाएगा विसर्ग संधि। लेकिन आपने संस्कृत पढ़ना चाहे, हमारे करीब बली क्या नाम है, बदायूं हाँ, बरेली की एक दो लड़की थी पहले, और वो बहुत अच्छा जानकारी उनकी संस्कृत में बनी, और हम पूछे भी, क्योंकि उनके उनके घर पे उनके पिताजी मास्टर भी थे, तो हम कहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम मंत्रोच्चार करते हैं या आप उसको दोहराती होंगी तो घर पे कोई दिक्कत, कैसे दिक्कत होता था पहले, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी,
फिर कुछ दिन ईयरफोन, लेकिन पापा जो है नहीं कुछ बोलते हैं, कहते नहीं पढ़ लो किसी भी तरीके से पढ़ लो। तो अब वो पढ़ती हैं, ठीक है, अब वो पढ़ती हैं। अब पढ़ना चाहिए भी, कोई भी चीज़ रहे, किसी में भी मिले, ठीक है। मंत्रोच्चार अगर आप नहीं करते वो अलग बात है, भगवान का पूजा पाठ ना करें, अपने भगवान का पूजा करें। और हमारे लिए बहुत दुआ मांगते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए बहुत दुआ मांगते हैं, जब हमारी जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं किसी कारण, जब हम तबीयत से हमारी जब परेशानी बढ़ जाती थी, तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि वो सुबह दोपहर शाम हर एक अपने पूजा में जो है, अपने अपने नमाज में जो है, वो हमारे लिए दुआ मांगती थी और हाल समाचार भी पूछते थे। लड़के भी हैं, लड़की में लड़कियों से लड़के की अपेक्षा जो है लड़कियां ज़्यादा संस्कृत पढ़ी हैं आपके उसमें। फिलहाल आप उर्दू लिए हैं, अच्छा है, और उर्दू से वो लोग भी पास है, लेकिन दोबारा संस्कृत से पास किए, संस्कृत दे करके पास किए और अच्छा संस्कृत में नंबर पाए। तो कोपि इति पदे संधि अस्ति। अब इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। दिगंबर इति शब्द से संधि विच्छेद अस्ति। अब देखो यहाँ क ख ग बन गया है, निश्चित तरीके से यह दिक रहा होगा, दिक मतलब दिशा होता है ना, दिशा, दिगंबर ना, और यहाँ पे स्वर आ गया, स्वर्ण आ गया, तो स्वर वर्ण की वजह से यह क जो है ग में बदल गया होगा, तो क्या बन गया? दिगंबर बन गया। तो क्या होना चाहिए? दिक धन अंबर, राइट आंसर इसका सी बनना चाहिए। अच्छा, मैं आगे 30 से करवा रहा हूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? देखो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। तो क्या मिलेगा? मनोहर इति शब्दस्य संधि विच्छेद। मैं बार बार बताया हूं कि मन धन क्या बनेगा, जैसे मनोहर, जैसे मनोरथ, ठीक। तो प्रश्न संख्या 35 में अगर आपको बनाना हुआ तो आप क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? तो यहाँ पे धन बना लो, यहाँ धन बना लो, ये भी धन है। तो मन धन हर बनाइए, मनोहर ऐसे ही होता है, तपो भूमि, तो तपो, तप से तपो बना है, ठीक है, तप से ही बना है। तो कई जगहों पर जो है आप इसको ध्यान देना, मनो ओ वाला अक्षर करके आता है विसर्ग के साथ वाले में, ठीक। मनो मनोहर मनोरथ, मन धन रथ बराबर मनोरथ है, ठीक। और कहीं कहीं मनस भी लगा के दिया होता है, तो संधि के अंदर की कार्य होती है जहां पे वो बीच में मिल जाता है। इसमें बताओ, तत धन टीका इति शब्दयो संधि रूपम भवति। इस शब्द का संधि बताओ क्या हो जाएगा? नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय, सुस्वागतम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तत धन टीका, तत धन टीका से क्या बन जाएगा? तट टीका। कैसे बन जाएगा? तो स्टुनाष्टु सूत्र से स्टुत्व संधि बनता है। क्या बनता है? स्टुत्व संधि। स्टुत्व संधि में कहते हैं कि सकार या त थ द ध न, ठीक, तकार या त वर्ग के बाद में अगर सकार और ट वर्ग का कोई भी वर्ण मिल जाए, तब यह सकार इस सकार में बदल जाएगा, यह पहला वर्ण पहले वर्ण में, यह दूसरा वर्ण दूसरे वर्ण में, यह तीसरा वर्ण ट ठ ड में चला जाएगा, त थ द जो है यह ट ठ ड ढ में चला जाएगा, और यह न है ओ ड में बदल जाएगा, ऐसा नियम है। तो तत् धन टीका इसका पहला वर्ण त था, तो यही त ट में बदल गया, तो स्टुत्व संधि हो गया, व्यंजन संधि का एक रूप माना जाता है। पठतीदम, पठतीदम इति शब्दे संधि अस्ति। गजब का क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 37, कई लोग तो देखे ही नहीं होंगे इस तरीके से बना होगा, तो ध्यान देना, ऐसा बहुत कम हमको भी देखने को मिलता है। पठत इधन इदम अगर लिखा हो तो यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण है, त में ई लगा है और आगे ई लगा है, इससे अकह समणे दीर्घ से यह दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पे पठतीदम बन गया, यह दीर्घ संधि का उदाहरण कहा जाएगा। लो चिदानंद, अभी सदानंद आए थे, अब चिदानंद आ गए, चिदानंद का बता दो। अरे बहुत सारा रेड 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 पड़ गई क्या है हमारे यहाँ? अजी हमको छोड़ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा,
अजी हमको छोड़ कर चिदानंद इति शब्दस्य संधि विच्छेदम अस्ति। इसका क्या होगा, चित धन आनंद तथ द में चला जाएगा, चिदानंद बन जाएगा, तथ द में तो हो जाएगा चिदानंद। श्रवणम बहुत अच्छा सूत्र है, सॉरी शब्द है, श्रवणम अव बना है, श्रवणम अव न अव, तो श्रवणम इति शब्द संधि अस्ति, अयाद संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यहाँ पे अगर आपको करना है तो कर लीजिए यण संधि, लेकिन वो सही है नहीं, ठीक है। तो जो सही होना था वो उसमें है, पहले से ही इसमें दिया गया है। तो श्रवणम में अव बना है ना, श्रवणम अयाद संधि, एचो अयवायावः श्रवणम भवनम गवनम गायकः सायकः दायकः। तो ए आय अय अव आय आव, ठीक, ये सब बनते हैं अयाद संधि का उदाहरण माना। माध्वरी क्या, माध्वरी इति शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति, इस शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताओ क्या बनेगा संधि विच्छेद इसका, जगुजी आई फूल खिले। पहले हम लोग जो पढ़ते थे प्राइमरी में, तो प्राथमिक विद्यालय में, तो उसमें एक ऐसा बना था, जब गुरुजी साइकिल से उधर से आते, जब स्कूल में से आते सुबह सुबह, या जब कभी कभी लेट भी आते ऐसे, तो जो ही आते तो कहते हैं पंडित जी आए फूल खिले, पंडित जी आए फूल खिले, तीन बार कह करके बंद जाते थे, ठीक है, पंडित जी आए फूल खिले। और उसमें एक पांडे जी थे, गुरु जी थे, कुछ लोग कहते कि पांडे जी आए फूल खिले, बड़ी बार मार के आता एक लड़का, बहुत मार के आता, कहे कि पंडित जी आए कहते कहते तुम लगे पांडे जी आए फूल खिले करने। तो जग्गू जी आए फूल खिले। माधुवारी में क्या हो जाएगा, माधु धन अरि। अब ये जो ध है, ध अलग कर लो, उ अलग कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा अ। अब यह इको यणच से बनेगा कि किससे बनेगा बताओ, कहते हैं ई उ री या ल्री के बाद में अगर कोई स्वर आए तो यह ई य में बदल जाए, उ व में बदल जाए, री र में बदल जाए, ल्री ल में बदल जाए। तो यह उ व में बदल गया, किसे बदल गया, व में, और आगे मिल गया अ, फिर हो गया री, यह ऊपर से, यहां से अभी मध आ रहा है तो हो जाएगा म धब, आधा ही रह जाएगा, व में अ जुड़ जाएगा, व पूरा हो जाएगा मधुवरी, क्या बन जाएगा मधुवरी। तो मधु धन अरि बी वाले में मिल रहा है ना प्रश्न संख्या ए, इसमें तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, और तो सब गलत है, और सब गलत है। तो प्रश्न संख्या 40 आप लोगों ने देखा, मजा आया, ने दम ऐसे उल्टा पुल्टा शब्द आते हैं, घबराहट हो जाती है कभी कभी, घबराहट हो जाती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्षम्यताम संख्या 41 में एक तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, यहाँ पे कर लो दीर्घ, यह है भी नहीं, ठीक, नेदम इत शब्द संधि। तो देखो यहाँ पे ए बना, क्या बना है, ए बना ना, तो प्रश्न संख्या 41 जब ए बन गया तो ए किसका होता है, गुण का होता है, गुण बना लो। अरे यण जब बनेगा तो यवर अला बनेगा, इसमें है नहीं, अयाद में अय अव आय आय आव बनेगा, ए भी इसमें नहीं है, तो दोनों वैसे भी नहीं होंगे, दीर्घ संधि का कोई औचित्य नहीं है वहां पे। लो यहाँ अय बन गया है, पश्चायतम अय बन गया है। अब इसमें बताओ संधि विच्छेद करना है, प्रश्न संख्या 42 में बताओ संधि विच्छेद कर करके बताना क्या कर। तो यहाँ अय बना है, अय किसके साथ में अय बनेगा, यही देखो किसके साथ में आप अय बनाओगे, हालांकि सबके अंत में अ तो है, ठीक है, अब अ के बाद क्या आए कि अय बन जाए, अब आप लोग यही सोच लिया जो काम बन गया, क्या आएगा, गलत हो गया, नहीं सही करो, मिटाई के फिर से मिटाओ, फिर सही कर लो। तो ध्यान देना, अ के बाद अगर ई आता है तब ए बनता है, लेकिन अगर अ के बाद एक बार फिर से ए आ जाए तो अय बन जाता है, और बेटा यहाँ अय बना है तो क्या हो जाएगा, अश्य अएतम, सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर वृद्धि का लक्षण मिल रहा है, वृद्धि संधि कर लेंगे।
तम पठस इति शब्दे संधि अस्ति। करें बताओ यहाँ कौन सी संधि हुई, सुत जस्त उत्व या अनुस्वार संधि। प्रश्न संख्या 43 बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ लोगों को तो दिखेगा भी नहीं कि इसमें संधि भी हुआ है ना। अभी मैं एक हिंट के तौर पर दे सकता हूँ, हरिम बंदे गुड इवनिंग सुस्वागतम, फूल खिले राजू जी आए, राज रानी आए, फूल खिले राजा रानी आए, फूल खिले। तो त्वम पठसी, त्वम में ध्यान देना, यह पहले लिखा गया था त्वम, फिर था पठसी, तो यहाँ पर क्यों क्या आ गया, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण आने पर यह मकार अनुस्वार में बदल जाता है, तो यह अनुस्वार हो जाता है और जो होता है वही नाम पड़ता है, चूंकि यह अनुस्वार हुआ है इसलिए इसका नाम अनुस्वार संधि पड़ गया। ठीक, तो हो गया अनुस्वार संधि। लब ध्वा लब्वालिस, ये तो प्रश्न संख्या जो 44 है ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए लब ध्वा, इस तरीके से क्या होना चाहिए लब ध्वा, इसमें तो कुछ और भी गलती छपा होगा, यहाँ लब धन ध्वा पहला ऑप्शन, लब धन ध्वा ऐसा कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और दूसरे में करना पड़ेगा लब धन वा लभा धन ध्वा और यहाँ पे लप। चलो अब बताओ इसमें कौन सा सही जाएगा, हालांकि ये लब ध्वा बनने में इसके पीछे बड़ी गणित हुआ है। हाँ भजन अभी अच्छा नहीं, भजन गाएंगे भी तो सुनाएंगे तो गाएंगे, ठीक है यहाँ कर रहे हैं, और कोई सभी नहीं हो, सही हो भी नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ब और ध दोनों साथ में तो जनरेट नहीं हो पाएगा, तो ध के साथ रखो लब धातु के साथ में, ध का ब बना देना। चलो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं, आगे चलते हैं। हालांकि जब जब आप लोग पढ़ोगे त्वा प्रत्यय तब वो जाकर के और क्लियर समझ में आएगा। नमो नमः इति शब्दे संधि अस्ति, इसमें बताओ कौन सी संधि हुई, सत्व विसर्ग उत्व विसर्ग जस्व जस्व संधि या गुण संधि। प्रश्न संख्या 45 में क्या बनेगा, मैं बताया हूं कि यह जो नमः होता है, यह नमः और यह नमः ना, तो यह जो नमः नमः है, नमः का जो विसर्ग है यह सकार से जाकर के उत्तो बनता है, तब जाकर के ओ में बनता है, इसीलिए मैं बताया हूं कि तपोभूमि ना तपोभूमि और अभी क्या बताया मनोरथ, उन सब में जो ओ गया है वह उत्तो के बाद ही गया है, सत्व के बाद उत्तो के उत्तो के बाद उसमें कन्वर्ट होता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके पहले मिल जाता है अ और यह उ के साथ में अ मिल जाए, अ के साथ में उ मिल जाता है तो ओ बन जाता है। पूर्वरूप संदेह उदाहरण नास्ति, चार क्वेश्चन और करेंगे पांच क्वेश्चन, पूर्वरूप संदेह उदाहरण, पूर्वरूप संधि का उदाहरण नहीं है, मैं आपको बताया हूं कि जहां हरी डमरू दिख जाए ना वहां समझ लेना कि पूर्वरूप है, क्या हो जाएगा पूर्वरूप है, ठीक है। तो कैसे बनेगा यह पूर्वरूप, ध्यान से देखना, यह यहां देखना क्या होता है, एंग पदांता दति, क्या होता है एंग पदांता दति, जब एंग प्रत्याहार का वर्ण अगर पदांत का हो और उसके बाद में ह्रस्व अ हो तब वहां पर क्या हो जाता है पूर्वरूप हो जाता है, हरे धन अव, तो यह पदांत का ए है यह अ है यह पूर्वरूप हो जाएगा, इसकी जगह यह अवग्रह बन जाएगा, तो ऐसे विष्णु व ऐसे ही रामो धुना, इसमें जलौघ जो है नहीं बन पाएगा, सी इस करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह अपवाद वाला रूप लेके आता है, हालांकि इसमें केवल संधि का नाम पूछा तो संधि का नाम बताना सरल है, संधि विच्छेद करना उसके संधि विच्छेद को सटाना फिर वो उसके लिए स्पेशल सूत्र लगा करके फिर अक्षरणी बनाना, ये थोड़ी सी बड़ी काम है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा रटिएगा। फिलहाल यहाँ पर औ दिखाई दे रहा है तो वृद्धि तो पक्का हो जाएगा, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसको जानना थोड़ा सा बड़ा है। गायत इति शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति, जैसे गायक गायिका, सायक सायिका, नायक नायिका, ठीक है, इस तरीके के जो शब्द बनते हैं ये आय 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 वाले, तो उनको कैसे बदलोगे, मतलब अयाद संधि तो फिक्स है, अब अयाद संधि क्या कहता है, अय अव आय आव, इसमें बनेगा, यहाँ आय हुआ है आय ए वाला, तो यह बनता है ए, यह बनता है ओ से, यह बनता है ऐ से और यह बनता है औ से, आय बना है इसका मतलब ऐ से बना होगा, मतलब किसका सही हो जाएगा गय से बना होगा, किससे बना होगा गय से, ठीक है, तो राइट मिल गया ए, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो जाता है, गुण संधेह उदाहरण में ना, गुण संधि का उदाहरण नहीं, तवल्लकार महेश्वर विद्येव या विष्णवे,
गुण संधि का उदाहरण नहीं है कह रहे हैं। तो गुण संधि में क्या होता है, अ ए ओ, अदेन गुण से अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, जिसमें अ जो होता है आपको अर या अल के फॉर्म में देखने को मिलता है, महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि इस तरीके से, ठीक है, ममल लकार तवल लकार यहाँ ए ओ इस तरीके से बनेगा। देखो तवल लकार गुण संधि, महेश्वर ए ए बन गया ना, तब यहाँ क्या विदेव विष्ण वे विष्ण वे। अब बताओ इसमें से कौन सा सही पड़ेगा, अब किसको आप बनाना चाहोगे प्रश्न संख्या 49 में। हालांकि भ्रांतिपूर्ण आप लोग समझ घबराना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे ई का ए ए वाला जो यहाँ पे बना है मात्रा, इसको ध्यान दीजिएगा, ए भी गुण ए भी गुण ए भी गुण, तो नीचे वाला तो आपका पकड़ में आ गया कि अब ए गुण नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित पदेषु असंगत पदम अस्ति, निम्नलिखित पदों में असंगत पद कौन सा है, कि अत्रैक में यण है, पश्योपरि में गुण है, गुरु आज्ञा में यण है, लाकृति में यण है, तो कौन सा हो। हालांकि इसको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और यह संधि सही भी है। लरी धन आकृति से लाकृति बनता है, ली का ल में कन्वर्ट हो जाता है, ली का ल में आदेश होना यण संधि कहा जाता है, ई को यण से, ई का य ऊ का व री का र लरी का ल, यह वाला कई बार आता है, फिलहाल इसको यहाँ पर सही है यह, और इसको ध्यान देना समझ लेना अच्छे से, अब इसको छोड़ा नहीं जा सकता, मतलब भुलाइएगा मत, कहीं कहीं आ जाता है। फिलहाल यहाँ पर असंगत पद कौन सा है वो बताइए, एक तो मैं बता ही दिया कि वह नहीं है। बेटा यहाँ अय दिखाई दे रहा है, वृद्धि बनेगा, यहाँ अण यण दे दिया है, तो यह वाला क्या हो जाएगा, ए पहले ही पकड़ में आ गया, ठीक है, और ओ बन रहा है गुण होगा, अर बन रहा है नहीं, फिलहाल यहाँ देखो गुरु आ आ, तो जो ऊ का व बना है तो यण संधि यहाँ पे कर रहे हैं, ओ गुरु र है ही, ऊ का आ ऊ का व बना है तो यवर अल में चला जाएगा, ठीक है, और सारी चीजें सही है, केवल यण यहाँ पे गलत है क्योंकि वृद्धि होनी चाहिए थी। पठत्वेक इति शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति, इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन अब हम नहीं बताएंगे, इसका होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे भी, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं लेकर के आया हूँ, लेकिन आप लोगों को बस इतना ही क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन मैं आगे किसी दिन और बता दूंगा, आगे किसी दिन जब फिर मैं संधि का प्रैक्टिस कराऊंगा तो 51 से लेकर करके आगे करवाऊंगा, ठीक है, तब 51 से आगे करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जो लोग लाइक नहीं किए हो प्लीज वो लाइक करें, ठीक है, मैं इधर ही हूँ, मैं यहाँ पे देखो साफ साफ मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, मैं कहीं और नहीं दिखाई दे रहा हूँ। अरे क्षम्यता, एक मिनट एक सेकंड, मैं ये अनएकेडमी की टी शर्ट साथ नहीं पहनूंगा, ठीक है, तो मैं यहीं पे था, मैं बैठा इसी जगह हूँ, आज अपना वो वाला एड्रेस नहीं बना था जिसकी वजह से मैं इसमें चला आया हूँ, ठीक है, जय हिंद जय भारत। अब जो है अपना आज चदरा नहीं उड़े थे तो जिसकी वजह से इस तरीके के क्लास में लिया, इसीलिए उसको धुलवा कर करके धो करके टांगा गया था, मैं उठाया नहीं और बारिश आई फिर से भीग गया तो ऐसा हो गया। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीवी शशि भव, कीर्तिमान भव, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, अगर जाते जवाते सभी लोग इतना बता के चले जाएं कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं हमसे, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमसे जुड़े हैं, जाते जवाते इतना बता दे ताकि हमको कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही रट जाए, ठीक है, चलिए धन्यवाद जग्गू, क्या हाल है आपको, खराब तो नहीं लगता है कि जब हम कहते हैं कि जग्गू, आप भी अपने घर में नाम रखवा लीजिएगा श्रीमान जी से, जग्गू सही नाम पड़ेगा। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव शशि भव, कल्याण मस्तु, जौनपुर सही है, चलिए जौनपुर वाले तो ऑफलाइन क्लास का भी मजा ले रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा, प्रयागराज वाले वाह वाह क्या बात है, धौलपुर राजस्थान से बड़ा लंबा से भाई, काशी वाले ये कहाँ से हैं, काशी वाले हमको लगता है कि ये पहले से जुड़े हैं काशी से हमसे, लखनऊ से हैं, बाराबंकी से हैं, बहुत सही, बहराइच से हैं, जौनपुर तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगता है, चलिए ठीक है बहुत बढ़िया, तो हम कहाँ करेंगे, मथुरा से हैं, बढ़िया से, राधा रानी के नगरी से, मथुरा से, हालांकि वो तो मथुरा के बगल में वहाँ से हैं, वृंदावन से ना, धौलपुर राजस्थान से, सिद्धार्थ नगर से हैं, एक वाराणसी वाले काशी वाले तो पास में से ही हैं, अयोध्या में मंदिर कितना बन गया, मंदिर के क्या कंडीशन है, सभी आप लोग सही बताते हैं, वहाँ पे बहुत पानी बुड़ गया था, सुन रहे थे आसपास लोग बहुत परेशान थे, चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु, अभी कुछ लोग सी आंसर ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हरदोई से हैं, हाँ हरदोई वगैरह से हमसे अभी तक ज्यादा जुड़ाव नहीं था, लेकिन आप लोग जो है हरदोई में पहुंच गए,
अच्छा भदोही से ही हैं, तब तो बहुत पास के हैं, संत रविदास नगर से। बाबा विश्वनाथ जी की जय हो, जय हो। तो शानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपते श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे। भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, आजमगढ़, ये तो एकदम जैसे लगता है कि बहुत टच में है, बहुत ज्यादा टच में है। आजमगढ़ भी बहुत ज्यादा टच में है। अब जौनपुर से थोड़ी डिस्टेंस बनने लगती है हमारी। चलिए, जौनपुर से भी बहुत पर्याप्त लोग हैं, बहुत सही, सभी लोग जो है शेयर करते रहें, सभी लोग जो है शेयर करते रहें। और काशी तक आप लोग इधर आ गए हैं, इधर बिहार तक घुस जाइएगा, फिर इधर से आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको क्लास अच्छा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कीजिएगा और डेली प्रतिदिन नित्य क्लास में आया कीजिए। नहीं, वो तो जो है क्या बोलते हैं, वाचन करते करते ऐसा आवाज हो गया, अदरवाइज तो इतना ज्यादा आवाज नहीं है। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे इस तरीके से। मैं काशी से ही हूँ, मैं वाराणसी से ही हूँ, मैं वाराणसी से ही हूँ। किसका भी सही है। अच्छा, ये जो आप लोग लास्ट में क्वेश्चन दे दिए हैं, लास्ट में क्वेश्चन दे दिए तो हम ही से पूछने लगोगे, मतलब इसी समय उसको भी सफरा कर ही जाना चाहते हो, गजब व्यक्ति हो भाई आप लोग। इसका राइट आंसर अब हम इसी से बताते हैं, जब कह दिए कि इसको कमेंट में कर दो तो कमेंट में करना चाहिए था आप लोगों को। फिलहाल भाई अब आप लोग वही बात है कि भगत के बस में है भगवान, तो एक जैसे लगता है नहीं नहीं मजबूरी सी बन ही जाती है। कोशिश करो सही बताओ, एक दो लोग और बता दें तब फिर हम उसके बारे में कमेंट कर दें। पठत्व एक बना है, यहाँ व बन गया है, क्या बन गया है, व, उ का व बनता है यण संधि में ना, तो उ किसमें है, किसमें बनेगा, उ का व बन जाता है आजमगढ़ से। चलिए ठीक है। अरे ये देखिए बाप भाई, क्या बात है, क्या बात है, आ गए हैं आयुष्मान भव, छह बार कल्याण वस्तु, छह बार, छह जन्म में आपका कल्याण होता रहे। हाँ, आजमगढ़ लेट आई हैं आप, ठीक है। नारायण, चलिए ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, किसी कुछ पूछना हो तो बताइएगा, अदरवाइज चल चलते हैं फिर क्लास को, अब आप करेंगे, मिलेंगे कल, ठीक है। चलिए अब यूपी टेट में सभी लोग लग जाइए, अच्छे से लपेट दीजिए, तो सुना दो ना एक बार, आप क्या कर दो हमारे यहाँ भेज दो, ठीक है, हमारे यहाँ भेज दो, फिर हम यहाँ से लाइव कर देंगे आपकी। पहले उस वाले क्लास में तो होता था कि उसी समय ऑन कर देते थे तो आप लोग सुन लेते थे। भजन भेज दीजिएगा भजन, ठीक है, और हम फिर एक और श्लोक गाएंगे उसके बाद, तो फिर रख देंगे कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है कि तुम लोग गाते नहीं, तब गाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, संत कबीर नगर संधो। चलिए आप डेली आएंगी, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अब जो है क्लासेस इस पर हम बात कर रहे हैं सर से, जो है अभी सीटेट वाली भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, कल्याण मस्तु।